बहुत अच्छा लगा मुझे देख के फिल्म का ट्रेलर, और काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है दिलीप सर ने और इसको काफ़ी अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दिलीप सर को, और ऑल द बेस्ट ये मूवी के लिए। इसके अलावा आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? जी हाँ, नेक्स्ट मंथ मेरा एक हिंदी सॉन्ग वापस आ रहा है रानी चटर्जी जी के साथ में, जिसको मैंने खुद गाया है और मेरे तीनों ब्रदर ने, हम तीनों ने मिलकर इसको कंपोज किया हुआ है, और उसका वीडियो नेक्स्ट मंथ तक रिलीज़ होगा। काफ़ी जल्दी इसकी डेट मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैं सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये खाली प्रणाम भैया नहीं, उसको समझो तो आ जाओ। यस ग्लोरी, नो वे, सब प्रणाम भैया का मुहूर्त क्या कहना चाहिए? प्रणाम भैया के मुहूर्त पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए और आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए और फिल्में अच्छी बनाऊं, और आज के जो यूथ हैं उनको बताऊं कि प्रणाम भैया का मकसद क्या है, फिल्म की कहानी क्या है सर, क्या अलग कहानी? ये गुरु चेले की कहानी है जो हम कहते हैं प्रणाम भैया, तो इसके पीछे मैं ये चाहता हूं कि यूथ को पता चले कि इसके पीछे क्या है, गुरु की बात को समझे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे, कामयाब हो। अगर हमारे देश का यूथ कामयाब होगा तो हमारा देश कामयाब होगा, हिंदुस्तान कामयाब होगा। मैं अभी अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो यूथ को समर्पित करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर बच्चा कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करे, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद रह गया। पूरी उम्मीद है मुझे कि अपना मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डेफिनेटली ये पिक्चर मेरी नवंबर तक फ्लोर पे जानी चाहिए। थैंक यू। मेरे दर्शकों को दिलीप गुलाटी का बहुत 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 बड़ा नमस्कार। दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी जाए, आपकी ज़िंदगी में हमेशा दिए जलते रहें, उसकी रोशनी में आप रहें और कामयाबी हासिल करें।